तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली रात के करीबन 12 बज चुके हैं और मेरी फ्रेंड मुझे एक्चुअली 9 बजे से बोल रही है मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। और वो बेचारी अहमदाबाद से आने वाली है आज, और मुझे अभी बोल रही है आ रही हूँ आ रही हूँ, अभी तक आई नहीं। वैसे तो ये वीडियो मतलब मैं कल शूट करने वाली थी, बट मैंने मतलब मैं उसका इतना इंतज़ार कर करके थक गई हूँ ना। तो जब अभी वो आएगी, अभी वो शायद दादर से उसने ट्रेन पकड़ी थी, आधा घंटा हो गया है। हाँ, उसने फास्ट ट्रेन पकड़ी थी। हाँ, उसने ना फास्ट ट्रेन पकड़ी थी तो आने वाली थी। अभी तक पता नहीं क्या क्या हो गया है क्या। और उसके इंतज़ार में हमारा हर्ष जी तो सो गया है, सगे शेगे शेगे मेरा पापड़ी सो गया। हाँ, तो मैं अभी उसके लिए जागी हूँ और मुझे भी नींद आ रही थी, तो मैंने कॉफ़ी पी ली है। अभी देखूँगी उसको कॉफ़ी चेहरे की तो दूंगी। थक गई मैं उसका वेट करते करते, पर मैडम का कोई अता पता कोई ठिकाना नहीं है। अभी आती होगी शायद। एक्चुअली कैसे रात को कैसे शॉप वगैरह ओपन रहती है ना, तो हम लोग बता, दिन में कैसे शॉप वगैरह ओपन रहती है तो बता सकते कि ये शॉप से यहाँ से आना, वो दुकान से यहाँ से आना, दूध वाले की दुकान रहेगी, इधर दुकान रहेगी। पर रात के टाइम कैसे एकदम सुनसान रहता है ना, तो इसके लिए कोई शॉप वगैरह बता नहीं सकते। देखती हूँ, मैं उसे देखती हूँ आएगी क्या होगा क्या, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी मैडम 12 बज चुके, अभी तक आई नहीं है। मेरे को बार बार मेरी घड़ी पे ध्यान जा रहा है, इतना देर हो गया अभी तक आई नहीं है। आएगी तो अच्छा है, जल्दी ठीक है। आती तो मैं वीडियो बनाती हूँ, ये कंटिन्यू करूँगी, आएगी तो मिला दूँगी उससे आपको, ठीक है। अभी उसका फ़ोन आया था, वो नीचे आई है तो मैं उसे लेने जा रही हूँ अभी। और मैं मैक्सी में पहली बार जा रही हूँ, अदरवाइज मैं मैक्सी में जाती नहीं हूँ, पर आज वो आई है इसके लिए जा रही हूँ। तो मिलाती हूँ मैं आपको अपनी दोस्त से। दरवाज़ा मैं अटका देती हूँ ताकि मैं फटाफट आ सके, फटाफट नीचे चलते हैं। गणपति पप्पा सीधा ये दिख नहीं रही है, वैसे सामने दिखनी चाहिए थी। लगता है उसने रिक्शा वाले को भी रुका के रखा रहेगा। बैग बैग लेके दे, मैं हेल्प करती, रिक्शा लगाया, ठीक है ठीक है, दे दे दे। ये मैडम आ गई है। कौन है? मैं ऐसे व्लॉग्स बनाती हूँ ना। अच्छा। टेंशन मत ले, मेरे से ज्यादा फॉलोवर नहीं है अभी। आ गई है तो अभी मैं बना रही हूँ उसके लिए कॉफी, क्योंकि उसको पीने की आदत होगा। मैं एक्चुअली ऑलरेडी गटक चुकी हूँ तो दोबारा बना रही हूँ उसको। उसने बोला मुझे मेरे लिए स्ट्रांग बनाना, उसके लिए भी स्ट्रांग कॉफी बनाऊंगी। दूध होने के बाद ही दूध हो जाएगा, उसके बाद मैं उसके लिए कॉफ़ी बनाऊंगी। बाकी की सब तैयारी कर देती हूँ। और एक कैसी कॉफ़ी पीती है मुझे पता नहीं। मैं तो ऐसा करती हूँ कि दो टाइप की कॉफ़ी होती है, या तो दूध उबाल के शक्कर डाल के ऐसा घोल के पी सकते हैं, या तो फिर सेकेंड रहता है इसमें बाउल में डाल के गर्म करो, उबालो अच्छे से, अच्छे से उबालने वाला पीते हैं। ये कैसी पीती है मुझे पता नहीं, इसको पूछना पड़ेगा। पूछ के आती हूँ मैं तब तक। मैं तो ब्यूटीफुल ही हूँ। गुड मॉर्निंग। अभी अभी हम लोग रात को ढेर सारी बातें करके सोए हैं और हम लोग नहाया था, कुछ भी नहीं। अभी रात स्कूल जाके आ गई है ना, हमको डिस्टर्ब भी नहीं किया, हमको डिस्टर्ब भी नहीं किया। हाय, ये देखिए फ्रेंड, ये देवी दीदी है। ट्रेन में सपाल उठते हैं, ये देवी दीदी, इनका नाम देवी दीदी है। हाँ, इसको दीदी बुलाता है। और किसको? शुभा, शुभा की को भी दीदी बुलाता है, बचपन से दीदी 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 बुला रहे हैं सबको। मैकडॉनल्ड में एक आंटी को, एक दीदी को आंटी बुला दिया। हाँ, एक दीदी कोई तो थी ना, उसको आंटी बुलाता है, बाकी सबको दीदी दीदी बुलाता है। हाँ, कभी हम लोग जाएंगे, अभी हम लोग जा रहे हैं तो खाना पीने की तैयारी करेंगे अभी हम लोग, क्योंकि हम लोग को शाम का भी देखना है। नहीं बेटा, वड़ा पाव, वड़ा पाव नहीं मिलेगा। कैसी ड्यूटी किसको है? तेरे पड़ोसी को है क्या? तेरे को है? इडली खाना। चल भागी यहाँ से, एक दो दिन नहीं होता है कि सब कुछ खाना रहता है इसको। ठीक है, चलो हम बाद में मिलते हैं अभी, क्योंकि आज हम लोग को बहुत बिजी है। थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बना पाऊंगी, ज्यादा नहीं। रसम बनाने की तैयारी। रसम ना, रसम, ये रसम है ना। हाँ, तो ये टमाटर है, ये इमली है। कितना इमली लिया? एक मुट्ठी, उससे थोड़ा कम, थोड़ा कम। और इसमें डाला है इसने जीरा, हरी मिर्ची, लहसुन विद छिलका, विद छिलका। और राई वगैरह डाली है क्या? काला मिर्च डाला है ना। हाँ, और नमक
नमक कोई घुटने में भी डालता है ना, इसका ये आमटी बनाएगी जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी रहता है इसके हाथ का आमटी खाने के लिए। राइस वगैरह हो गया है और अभी आमटी बनने की तैयारी, मैंने बगर बना दिया मेरा, अभी देखो कैसा बनता है, जब बनाएगी तो मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है ठीक है, बाय। तड़का दे दिया है सिर्फ जीरा, राई का तड़का दिया है ना, राई और कड़ी पत्ता। और कोमल को ठसका वाला पसंद है इसलिए, वरना हम लोग साउथ इंडियन डायरेक्टली डाल देते हैं। हाँ पर तुझे ये थोड़ा सा फ्राइड वाला पसंद है इसलिए। हाँ ये जो कलर से टेक्सचर आने वाला है ना, बहुत ही यम्मी। और यहाँ पे उसने इमली और इसको मिक्स कर दिया है टमाटर को, और हल्दी भी डाला है ना, तीखे के लिए अपना मिर्ची ही लगता है, और काला मिर्च भी डाला है इसके अंदर। इतने से तेल में बन जाएगा यार, तुम लोग तेल बहुत कम, रसम में नहीं लगता तेल इतना। अच्छे से हो जाएगा इसको होने के बाद। तड़का ये ऐसा तड़का दे दिया इसने, एकदम बोले ना एक चम्मच तेल में इसने बनाया है। लहसुन तो बहुत हेल्दी चीज है ना, सूप जैसे बोलते हैं ना इसे, अब इसको बॉईल कर देंगे। हाँ इट इज लाइक सूप। अब इस फास्ट करने का इसको हम फास्ट कर सकते हैं, कोथमीर वगैरह लास्ट में, फिर कोथमीर डाल देने का ना इसमें, डाल हो जाएगा ना। ये बन गया रसम, मतलब बनने को टाइम है बट अच्छा दिख रहा है बहुत। ग्लास उबाल, उबालना अच्छे से, अच्छे से बॉईल होने के लिए रखना पड़ेगा। फिनिश, हमारा खाना तैयार है थोड़ी देर में, 10 मिनट में खाना तैयार होगा। इतना मस्त कलर आ रहा है, मुझे बहुत पसंद है ऐसे रसम वगैरह। इसमें कोई कोई गुड़ भी डालता है क्या? कोकम गुड़ ऐसा कोई डालता है क्या? हमारे वहाँ पे नहीं डालते, बट रसम अलग अलग टाइप के बनते हैं, टमाटर और वैसे अलग से भी बनते हैं। हाँ ना, तो इसमें अपना एक्स्ट्रा कुछ वेजीज वगैरह डालना रहेगा तो वेजीज डालते हैं? वेजीज नहीं डालता, वेजीज वेजीज नहीं डालता ना। ठीक है, तो ये ऐसे अच्छा लग रहा है। फाइनली हमारे दोस्त लोग आ चुके हैं, उनकी एंट्री होगी इसी दरवाजे से, अब देखते रहिएगा इस दरवाजे से मैडम लोगों की एंट्री होगी। मजा आ गया, ये तो कसम से लग रही है पूरी पटाखा। तो देख के लगता है कि इतना बड़ा बच्चा हो गया, अच्छी लग रही है। लेकिन ड्रेस मुझे पतला हो रहा है, मैंने इसको पिन लगाया है। क्या करती रही तू, इतना क्या करती रही? मिट्टी के बर्तन में खाना खाती, मिट्टी के बर्तन में खाना। अरे इधर हम लोग दबा के खा के बैठे थे, इसकी स्किन देख लो कितनी मस्त। हाँ ना, शाइन करती है ना। हाँ बोल, ऐसी मस्त बजे में तैयार हो गया है। और ये है शुभांगी, इतना अच्छा किया है। शुभांगी डियो लगाएगी? हाँ डियो मेरे पास भी है। किरण तू क्या कर रही है? तो किरण तो निकल गई है, मेरा यही है। मैं थोड़ा और मेकअप करूंगी, लिपस्टिक वगैरह लगाऊंगी। कर ले कर ले, वैसे दिखा तेरा मेकअप, दिखा तेरा मेकअप ग्लो, दिखा। हाय मस्त लग रहा है फोटो वीडियो में, बहुत अच्छी दिख रहे हैं। हम सब लोग अभी खाना खाने के लिए जाएंगे, जैसे बन खा के, और मैं अपना अपना सबको दिखाऊंगी कैसे कैसे लग रही हूँ। मैं हर्ष को दिखाती हूँ, उसको बोलती हूँ कि वीडियो पूरा निकाले हमारा। अच्छे लग रहे हैं ना गर्ल्स, आप सब ऑसम लग रहे हो। यस यस यस, मैं लिपस्टिक लगानी और मेरी भी यानी मुझे। तो क्या बोल रही है, ऐसा चलेगा या फिर अभी इसमें ऐसा पफ कुछ करूँ? ऐसा बोल, अभी मत कर, जाते समय कर। अभी तो हाँ अभी ठीक लग रहा है, लिपस्टिक विपस्टिक लगा रहे हैं, सब तैयार हो गए हैं। मैं शायद आईलाइनर लगाऊंगी तो लगाऊंगी, वरना नहीं लगाऊंगी। मुझे लगता है इयररिंग पहनना चाहिए बस, या इतने काफी है। ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, देखती हूँ मेकअप करने का कि नहीं। सेशन स्टार्ट हो चुका है, और ये हम लोग दिख रहे हैं, लुक लाइक क्वीन। और ये भी, अरे शुभांगी, ठीक है हम लोग चलो फोटो खींच रहे हैं, हमारा फोटो लेना अच्छे से, ठीक है? चल कट कर दे, कट कर दे।
उसका फोटो ले लेके मन नहीं भरा अभी तक। कितना फोटो। हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए रात को, और मुझे बहुत ठंडी लगती है इसके लिए जैकेट पहना है, और किरण ने इनको संभाल लिया है। एक मिनट, हाँ तो किरण ने इनको संभाल लिया है, अभी आ रहे हैं धीरजन। कितने प्यारे लग रहे हैं धीरजन, और ये मैं आंटी जी लुक वाला, क्योंकि मुझे बहुत ठंडी लगती है। बाबा ये लोग साइड में से जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही। आज भी रात जागरण है, आज भी रात जागरण है उधर। मैं शायद कुछ नहीं खाऊंगी, सब कुछ खा रहे हैं। ये उसका घर है, अभी तो मैडम बात कर रही थी। मैडम उसका घर दिखा देती हूँ, पूरा शुभांगी का घर है। यह हॉल है शुभांगी का। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए सबसे अच्छी बात इसका मंदिर है, जो बहुत 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 सुंदर है। और ये श्री है, उसका लड़का, और ये मेरा प्यारा सा पापड़ी, और इसके मेडल्स, और ये मंदिर। इतना सुंदर मंदिर है ना, बहुत सुंदर है। ये ग्रीन अच्छा दिया उसने, लुक बहुत अच्छा लुक है। वाओ, ये गोल्डन कलर का लुक अच्छा दिया। और इसने एक और ये नया दरवाजा है, इसने एक्चुअली पूरा घर नया ही बनाया है। और ये क्या उसको स्नेक प्लांट बोलते हैं शायद, हाँ बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऐसे क्यूट क्यूट टेडी बेयर है, देखो यहाँ पे दूसरा क्यूटी। अरे श्री का बचपन का फोटो है, और यहाँ पे भी टेडी बेयर की बहुत बड़ी फैन है, वो टेडी बेयर का क्रेज है। और ये किरण है काम करते हुए, जो बहुत कम दिखता है हमको। चलो किरण जी साइड हो जाते हैं, किचन है। ये उसका पूरा ट्रॉली सिस्टम बनाया है उसने, और ये बाहर से व्यू देखो आप, बाहर का व्यू इतना अच्छा है। और ये पूरा, अरे इसने इधर भी ये बनाया, देखो कैसे बैठे। हे भगवान, क्या फर्क पड़ता है। वॉशिंग मशीन उसने, मैंने देखा नहीं इसकी वॉशिंग मशीन, अभी देखा मैंने। ओवरऑल उसका किचन पूरा ऐसे दिखता है, अभी थोड़ा मैसी है, बट ये मैसी नहीं रहता, क्लीन रखती है वो। और उसका ये बाथरूम टॉयलेट, और ये मिरर जिससे मैं आपका हाई कर रही हूँ, और ये पूरा दोनों जन बैठ के यहाँ पे। हाय, हाँ कॉफी में कॉफी पी रहे हैं, और सब लोग यहाँ जमा हो गए हैं, इंजॉयमेंट का टाइम। हम लोग ने बना लिया है, ये रसम बन गया है, और मैंने थोड़ा सा ले भी लिया है खाने के लिए, ये बहुत टेस्टी लग रहा है। ये शुभांगी की दाल है, ये लाल क्यों है, पीली क्यों नहीं है? लाल ही बनाने बोली ना तूने? नहीं पीली, क्या ऐसा करती यार, पहले तो बोली नहीं तूने मुझे। अरे पीली तो तेरी फेवरेट है, ठीक है चल चलेगी, ये भी जोड़ेगी। और ये मैंने पनीर की सब्जी बनाई है, बोल दी थी तू, और ये हाँ 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 खा लेंगे खा लेंगे। और ये इसने भगर है गाँव वाला, अच्छा लगता है ये बर्तने जो मुझे इग्नोर करेंगे। हमारा खाना वाना सब मतलब रेडी हो गया है, और ये श्री के लिए ना उसके मम्मी ने चांदी का प्लेट लाया है। अब ये सब रेडी है, हम लोग अभी खाना वाना डालने वाले हैं। ये राइस है, ये लोग खाएंगे, और ये ना गांव का भगर है, यहाँ में दिखाना चाहती थी, थोड़ा गांव का है, थोड़ा अलग दिख रहा है ना, ये किनोवो लगता है मुझे, बट ये वो भी नहीं किनोवो नहीं है, बट मुझे वही लग रहा है। देखो ना कितना अलग लग रहा है, ये खाया है मैंने और मम्मी ने इसे खाया था, ये सेम वैसे ही लगता है। और ये देवी की आंटी है, और वो मेरा है, अभी खाने को बैठेंगे हम लोग, ठीक है। एंट्रेंस कितना भारी थी, और अंदर सब है, और बाहर स्नैक्स का भी है, फूल वगैरह भी मिल जाता है।
फ्रूट्स भी है। अच्छा फोटो निकालेंगे यहाँ पे बाद में, हम आते वक्त ठीक है। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आज मम्मी के साथ में, और ये मेरे दो पगली दोस्त, अरे मेरा पापड़ी रह गया, अरे हाँ हाँ मम्मा फोटो सेशन खेल रहे हैं। बचपन में हम लोग, मैं छोटा था तब में हम यहाँ पे आए थे। देखो मोर दिखाती हूँ, मोर कितना सुंदर लगेगा। आई लव ही एलिफेंट। अच्छा एलिफेंट क्या खड़ा हो, फोटो निकालती हूँ। इधर दिखा ये दे दे। हाँ हाथी तेरा साथी। हाँ चल आ जा। वाह यार एंट्रेंस बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है एंट्रेंस बहुत। कौन है, क्या फोटो लेना है तेरी? ठीक है रुक जा, अच्छा हट जा। हाँ बस हो गया, मैं ले ली। ये तो फिश वगैरह है। हाँ चलो आ जाओ, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे तो होटल बाहर से बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत प्यारा था, बट प्राइस से मैं सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा था। मतलब समझे ना, सब्जी कुछ 350-400 की शायद एक कोई सब्जी होगी, और भी इतनी टेस्टी नहीं लगी थी जितनी हम सब ने। मैंने पनीर की सब्जी घर पर ही बनाई थी, वही खाई थी, और मुझे वहाँ पे इतना कुछ खास नहीं लगा खाना। खाना बहुत ही ज़्यादा महंगा था, और सबसे ज़्यादा पता है अजीब बात क्या था कि वहाँ पे जो मतलब खेलने के लिए बच्चों का था ना, पहले मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं चला, हर्ष मुझसे आया पूछने के लिए भी। आपको आगे आने वाली वीडियो में भी पता चलेगा कि हर्ष मुझसे पूछने के लिए आया था, और मुझे लगा ठीक है जा जा। जब वहाँ पे पता चला 20 रुपया है, 30 रुपया है, और हर टॉय का मतलब हर गेम का अंदर पैसा ले रहे हैं। अगर वो बाहर होता ना तो समझ में भी आता कि ठीक है यार पैसा लेना लॉजिकल है, बट अगर आप होटल के अंदर ही खोल रहे हो तो इतना तो बच्चों को फैसिलिटी आपको देना चाहिए। आप हर एक छोटे से छोटे झूले पे भी प्राइस लगा रहे हो। अरे स्लाइडर नहीं क्या छोटे बच्चों का, 1 साल के बच्चों का प्राइस है यार 20 रुपए में स्लाइडर, बच्चों के खेलने के लिए बहुत छोटा है जो दिख रहा है ना, इससे भी प्राइस था। कोई सेंस नहीं बनता इतना महंगा करने का, कि हर चीज़ आप महंगी भी, खाना भी महंगा रखो, हर चीज़ महंगी, मुझे अफोर्डेबल नहीं लगा। और आगे जैसे ही गई यहाँ पे एक शॉप थी मिठाई वगैरह की, मतलब भिक्षा के लिए वेट कर रहे थे। आइसक्रीम खाने का धर्म संकट में आ गया। तो फाइनली देवी का जाने का दिन आ चुका था। वो 3 से 4 दिन शायद रुकी थी मेरे घर में, और मुझे बहुत अच्छा लगा था वो आई थी तो। और अभी वो जा रही है, तो हम लोग सब तैयारी करते, ठेपला वगैरह बना रहे थे, सब लोग एक साथ में थे। मतलब शुभांगी थी, किरण थी, शुभांगी का फास्ट था, मंडे था, और मैंने और उसने भगर ही खाया था, मतलब मेरा फास्ट नहीं था, पर सब लोग मिलके बना रहे थे। और उसने फिर मूली की सब्जी भी बनाई, मैं शायद इतना दिखा नहीं पाई हूँ इसमें, पर सीरियसली हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करेंगे उसका। बैग वगैरह भरते समय या कुछ भी करते समय उसे बहुत याद कर रहे थे कि यार वो फाइनली जा रही है। हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था यार फिर कब मिलेंगे, 4 साल बाद मिल रहे थे। चलाते रहना, छोटे से ब्लॉग में सब कहना थोड़ा मुश्किल है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आओ जो चल आओ जो। हाँ